yourself back together now. What's your vision? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ प्रश्न वाले 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 8वां प्रश्न को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 7वां प्रश्न तक हल कर लिए थे। उम्मीद करता हूं कि आप उसे नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर बराबर, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है हमें 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हमको सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। एलएचएस लिखेंगे, एलएचएस बराबर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर चला गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ए भी चला गया है। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए यानी 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कॉसेक a का स्क्वायर, कॉसेक a का स्क्वायर। यहां भी इसी तरह से a स्क्वायर यानी cos का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस a इंटू सेक a प्लस सेक a का स्क्वायर, सेक a का स्क्वायर। अब यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है? एक होता है, तो यहां लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे प्लस ये कॉस स्क्वायर ए यहां चल गया है, अब यहां पे प्लस 2 इंटू, ठीक है, 2 गुने कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है? एक होता है, प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखेंगे। ओके, अब यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है, प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, अब यहां पे 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, अब इसको 7 प्लस क्या लिखेंगे? टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको चेंज कर दें। ओके, यही हमको सिद्ध करना था। तो लिखेंगे एल एच एस बराबर बराबर आर एच एस प्रूफ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बटा टेन ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना। ओके, तो इसमें क्या करना है? एलएचएस और आरएचएस अलग अलग सिद्ध करना। ओके, तो सबसे पहले एलएचएस सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे एलएचएस बराबर कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू क्या दिया है? सेक ए माइनस कॉस ए। ओके, अब यहां पे कॉस ए को क्या लिखेंगे? 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं, माइनस साइन ए इंटू इस सेक ए को क्या लिखेंगे? 1 बटे कॉस ए लिखेंगे। ओके, माइनस कॉस ए, ठीक है। अब यहां पे बटा में एक करके नीचे का एलसीएम लेंगे साइन ए, तो यहां क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। ओके, अब यहां पे नीचे एलसीएम आएगा तो कॉस ए 1 माइनस, सॉरी यहां पे स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे यहां पे साइन ए में, तो साइन आएगा, साइन से साइन में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, अब यहां पे बटा में एक करके एक से डिवाइड करेंगे कॉस ए में, तो कॉस ए आएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ए में, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है, बटा में साइन ए गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है?
साइन स्क्वायर ए होता है बटा में कॉस ए। एक कॉस ए एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस ए इंटू साइन ए बचेगा। ठीक है, यानी एलएचएस हम सिद्ध किए हैं तो इतना आया है। ठीक है, अब चलिए आरएचएस दिया हुआ है, आरएचएस को सिद्ध करते हैं। आरएचएस बराबर क्या दिया है, 1/10 टैन ए प्लस कॉट ए दिया हुआ है। ओके, अब यहां पे 1/10 ए को क्या लिखेंगे, साइन बटा कॉस लिखेंगे, यानी साइन ए बटा कॉस ए लिखेंगे, प्लस कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा में साइन ए। ठीक है, नीचे एलसीएम आ जाएगा, साइन और कॉस का एलसीएम क्या होता है, साइन और कॉस का एलसीएम साइन इंटू कॉस हो जाएगा, कॉस से डिवाइड करेंगे इसमें तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन से साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस से कॉस में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पलट दीजिए तो साइन ए और कॉस से चला जाएगा ऊपर, यानी साइन ए इंटू कॉस ए बटा में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है, तो यहाँ क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। एल एच एस में साइन ए इंटू कॉस ए आया था, यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस ए आया, तो इस तरह से हम लिखेंगे कि एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 1 + tan² a / 1 + cot² a बराबर 1 - tan a / 1 - cot² a का होल स्क्वायर बराबर tan² a सिद्ध करना है। ओके, तो चलिए एलएचएस लेते हैं हम लोग, यहाँ एलएचएस बराबर क्या लिखेंगे, 1 + tan² a / 1 + cot² a। अब यहाँ पे 1 + tan² a बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, 1 + cot² a बराबर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब यहाँ सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1/cos² a लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1/sin² a लिखेंगे। अब इसको पलट दीजिए, ठीक है, नीचे वाले को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा और एक नीचे चला आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर ए बटा में क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। इसी तरह से आर एच एस सिद्ध करते हैं, चलिए इसी तरह से हम आर एच एस सिद्ध करेंगे। आर एच एस बराबर क्या है, 1 - tan a / 1 - cot a इसका होल स्क्वायर। ओके, अब यहां लिखेंगे 1 - tan a / 1 - cot a को tan में चेंज कर देना है। ठीक है, तो cot a को tan में चेंज कर देंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ 1 - tan a / यहाँ पे tan नीचे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो tan a माइनस में 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब नीचे वाला क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। ठीक है, 1 - tan a / tan a - 1 और ये चला जाएगा ऊपर, तो गुना में क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। ओके, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस यहां से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस में 1 हो जाएगा और बटा में टेन ए माइनस में 1 गुना में टेन ए। ओके, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए टेन ए माइनस 1 ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में टेन ए का होल स्क्वायर बचेगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे, टेन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एल एच एस और आर एच एस प्रूव हो गया। इस तरह से एल एच एस और आर एच एस प्रूव हो गया। ओके, तो
इसमें क्या किए हैं कि LHS अलग सिद्ध किए हैं और RHS अलग सिद्ध किए हैं और टेन स्क्वायर ए हमको लाना था। ओके, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ताकि जो भी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।